तो भैया चारों तरफ ना फॉग ही फॉग है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर बहुत जोरों से बिजली कड़कड़ा रही है और यहाँ पर ना कैंपिंग करने का कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। मंदिर का गेट बंद है। बाकी अभी पंडित जी इधर से बाहर आए थे, उन्होंने बोला कि यहाँ जंगल से जंगली जानवर रोज घूम रहे हैं तो बहुत रिस्की है। तो अभी हम लोग गाड़ी नीचे घुमा रहे हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बीच में ना एक जगह लैंडस्लाइड हो रखा है बहुत तगड़ा वाला। अगर रात को बारिश आई तो वो और बढ़ जाएगा और फिर हमारा ना यहाँ पे फंसने वाला हिसाब किताब हो जाएगा। अब नीचे की तरफ चल रहे हैं और आपको दिखाता हूँ पूरा ना स्कैरी वाला रास्ता है, बहुत स्कैरी वाला रास्ता। और देखो फॉग ही फॉग है, तो मेरे को तो नहीं लगता कि रुकना चाहिए क्योंकि मेन वो लैंडस्लाइड वाला प्रॉब्लम लग रहा है। लैंडस्लाइड वाला भी प्लस जानवर का तो चलो चल जाएगा, अपन तो सेफली कर देंगे, लेकिन लैंडस्लाइड का मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन लग रहा है। और जिस हिसाब से मौसम है, बादल कड़क रहे, बारिश तो होनी है पक्का। तो एक काम करते हैं, अभी नीचे जा रहे हैं, नीचे हिसाब किताब कुछ देखेंगे, कुछ बनेगा तो। अदरवाइज आपको रास्ता दिखाता हूँ, बीच में जहाँ लैंडस्लाइड हो रखे ना, मेन टेंशन वहाँ का है कि अगर रात को बारिश पड़ी और वहाँ पे लैंडस्लाइड और तगड़ा हो गया ना, तो फिर भैया हालत ही खराब हो जाएगी। और फॉग आप देख सकते हो बाहर कितना है, और रास्ता तो बहुत ही ज्यादा नैरो है। और अभी एक दो कर्व पड़ेंगे भाई साहब, वो कर्व तो पूरे ना जान सुखा, एक तो नहीं सॉरी चार पांच कर्व पड़ेंगे और वो जान सुखाने वाले कर्व हैं। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना तो उजाले में ऊपर आना, अंधेरे में बिल्कुल भी मत आना, और एक्सपीरियंस हो तभी आप गाड़ी ऊपर लेके आना। दोनों तरफ घना जंगल है और कोई भी घर नहीं बना हुआ है, सीधा ऊपर ही आके आपका मंदिर बना हुआ है टॉप में। कोई हेल्प नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वैसे तो जंगली जानवर का कोई टेंशन नहीं है अपने को, क्योंकि अपने को तो गाड़ी के अंदर ही सोना है, लेकिन टेंशन हो गया है मौसम का कि रात को अगर बारिश बहुत ज़्यादा तेज पड़ी तो भैया बैंड बजने वाली है। लैंडस्लाइड पक्का है, और लैंडस्लाइड पक्का है क्योंकि दोनों तरफ आपके ना मट्टी वाले पहाड़ हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, एंड फिर आपका कर्व भी है। गाड़ी को कंट्रोल में चलाना बहुत मुश्किल है, छोटी सी गलती और गाड़ी सीधा खाई में जाने वाली है आपकी। ये आ गया लैंडस्लाइड वाला एरिया। यहाँ तो पक्का लैंडस्लाइड होना है बारिश होते ही। अगर यहाँ पे ये मामला खराब हो गया ना तो फिर ऊपर ही फंसे रह जाएंगे हम लोग। और यहाँ इतनी जल्दी कोई निकालने वाला नहीं है। ये देखो कितना ज्यादा कर्वी स्टीप है, एक छोटी सी गलती और गाड़ी पलटने का भी और प्लस गिरने का भी चांस है। यहाँ से देखो आप, अभी ऐसे रास्ते और पड़ने वाले हैं अपने को, फुल दोनों तरफ जंगल। अभी रोड पे ये व्हाइट पट्टी स्टार्ट होगी, वरना पिछले 3 किलोमीटर की तो व्हाइट पट्टी भी नहीं है। और रोड देख लो, हल्का सा अगर आपका टायर फिसला ना सीधा नीचे जाओगे। ये देख रहे हो, अगर टायर लेने में छोटी सी भी गलती करी ना तो सीधा नीचे जाना है आपको। हालत देख रहे हो कैसी हो रही है। और अभी अपन बैठे अपने रूम के अंदर, फुल कैंपिंग सेटअप कर लिया है, और ऊपर पड़ रही है बारिश, बहुत जोरों से बारिश पड़ रही है, और बारिश के अंदर ही सेटअप करना पड़ा अपने को अपनी कैंपिंग का। बाकी अपना बेड वगैरह सब कुछ रेडी है, बाहर का भी सेटअप रेडी है, अंदर का भी सेटअप रेडी है, लेकिन बाहर पड़ रही है बहुत जोरों से बारिश। दिखाता हूँ आप कितनी तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बहुत तेज। ये देखो आपको ना ये फॉग भी दिख रहा होगा साथ में आता हुआ, बहुत तेज चल रहा है। बाकी अपना पूरा अंदर का इंडोर सेटअप रेडी है, यहाँ पे हमारा कैंपिंग बेड अपना पूरा सेटअप रेडी है, यहाँ पे ग्रोसरी रख दिया है, उधर आइस बॉक्स रख दिया है, और यहाँ से हमारी खिड़की जो बाहर से नजारा दिख रही है। अब जो ये लाइटें हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग आए कहाँ पर है। तो कुछ बाहर का नजारा ऐसा है, फुल बारिश हो रही है और हम लोग है नारकंडा के पार्किंग लॉट में। हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे सही सलामत ऊपर से, और जो लैंडस्लाइड एरिया था वो आपको दिखाई दिया था। अब भी ये बारिश पड़ने लग गया है, ऊपर तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही होगी, तो समझ लो वो लैंडस्लाइड आपका और ज्यादा बढ़ जाता, रोड पे आ रखा था और ज्यादा रोड पे आ जाता, फिर उसके बाद क्या होता, रास्ता बंद। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे इतनी जल्दी जेसीबी जाके वो रास्ता खोल देती, लेकिन यहाँ आने के बाद भी एडवेंचर खत्म नहीं हुआ है, हमारा बारिश वाला कैंपिंग सेटअप रेडी है। तो हमने अपना रूम सेटअप कर लिया था फटाफट से, और विंडो ओपन की हुई है, उसके ऊपर हमने टार्प लगा दी थी। पानी के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलो, चाहे आप कितना भी वाटरप्रूफ वाला सेटअप कैरी कर रहे हो। चीयर्स चीयर्स एवरीवन, जिस जिसके हाथ में ग्लास है चेस के लिए उठा लो।
अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज बारिश पड़ रही थी, सेटअप लगाना मुश्किल पड़ गया, और बाहर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, पानी इधर से आ रहा था, मतलब बारिश ऐसे पड़ रही थी, तो ऊपर की शेड का कोई फायदा नहीं है, जब साइड से बारिश आएगी तो पानी आना ही आना है, तो अपने को ना ये अलग से टार्प लगानी पड़ेगी ताकि हम लोग बाहर बैठ सके, अपनी कुकिंग वगैरह कर सके। तो और बाकी रूम हमने सेटअप कर दिया है सोने के हिसाब से, उधर मैं सो जाऊंगा, इधर भैया सो जाएंगे, फुल आराम से, 5 स्टार वाली जिंदगी है। और कैसा वेदर हो रहा है? वेदर बिल्कुल कूल, बिल्कुल ठंडा है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज बारिश पड़ रही थी और अब तारे नजर आ गए, लेकिन जिस हिसाब से हवा चल रही है मेरे को तो लग रहा है कि अभी बारिश दोबारा आ जाएगी। किसी ने वैसे कहा भी था कि रात को बर्फ ठंड बहुत तेज पड़ती है। रोड पर खड़े होके अगर हम लोग कैंपिंग भी करते तो वो भी बहुत रिस्क था, क्योंकि दोनों तरफ तो जंगल ही थे, जंगल थे, कहीं से भी पेड़ गिर सकता था। रोड के ऊपर आप खड़े करके कर रहे हो तो इस तरफ से आपका बारिश वाला सीजन है, तो वहां से भी लैंडस्लाइड हो सकता है, आप सो रहे हो और आपकी गाड़ी बिल्कुल नीचे चली जाए। और सेम अभी ऊपर भी ऐसा ही था, ऐसा ही था, इसी वजह से तो वापस आना पड़ा। लैंडस्लाइड की वजह से हम लोग ऊपर से नीचे आए, वरना हमें तो गाड़ी के अंदर ही सोना था, हमें क्या किस चीज का डर है। और ऊपर से मंदिर वाले जो पंडित जी थे उन्होंने बोल दिया था कि गेट के अंदर अपना टेंट वगैरह लगा लो, कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी बाहर खड़ी कर दो। तो एक ग्राउंड टेंट था, हम लोग लगा सकते थे, लेकिन यार वो मेन था कि लैंडस्लाइड होगी तो हम ऊपर ही फंस जाएंगे। तो भैया ब्रदर इन लॉ के साथ में कैंपिंग हो रही है, तो खाते जा रहे थे, पूरी होनी चाहिए ना, इधर बन के अपना चकरा, इधर अपनी ड्रिंक्स, पिछली बार बताया था फिर बता रहा हूँ, फ्रूट बियर पी रहे हैं, लेके आया था, बहुत बढ़िया टेस्ट था, इस बार दूसरा फ्लेवर लेके आया हूँ। सो हम लोग अभी बैठे हुए थे नीचे, देखो कितना फॉग नजर आ रहा है और फिर से बारिश शुरू हो गई है। कोई टेंशन भैया बारिश में? नहीं, मजा आ रहा है, मेरे को फर्स्ट टाइम ये देखने को मिला है सब कुछ, और बारिश आ रही है मस्त। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या हिसाब किताब है यार, बहुत बढ़िया ओवर लैंडिंग हो रही है आज हमारी। ये होटल वालों को इतने मज़े नहीं आ रहे जितने हम लोगों को मज़े आ रहे। और हमारा ये टार्प लेने का भी बहुत फ़ायदा हो गया, हमारा बैठने के लिए अलग से स्पेस हो गया, तो हम लोग यहाँ बैठ के चिल तो मार रहे हैं, अच्छे से खाना भी थोड़ी देर में कुक करेंगे, अभी देखते हैं क्या कुक करेंगे। लेकिन ना मेरे पास ना एक एडवाइस है, अगर कोई एडवेंचर हट से देख रहा है तो ये सजेशन है बस मेरी तरफ से, बाकी तो आप मुझसे अच्छा जानते होंगे, कि आपको ना जो गेट है, जो रूम का गेट है वो है उस तरफ, आपको देना चाहिए इस तरफ उनके लिए जिनका किचन सेटअप पीछे है, कि बंदा यहाँ से निकले और यहीं से कोऑर्डिनेट करता रहे, और अपना कोई भी सामान रखना हो तो यहीं से यहीं रख दे। अभी क्या हो रहा है कि मेरा सामान जो अंदर है तो मुझे ना बार बार घूम के, पूरा घूम के उधर जाना पड़ रहा है, और फिर उसके अंदर एंट्री लेनी पड़ रही है। तो जिनका किचन का सेटअप है आप उनका गेट इस तरफ दे सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा सहूलियत रहेगी। तो हमेशा मैं इसके अंदर बनाता हूँ अपना खाना, लेकिन आज भैया बना रहे अपने हाथों से। बाकी हम लोगों ने जैकेट पहनी हुई है, सोचो इतनी ठंड है, अगर अभी हवा चल जाए ना तो हमें कैप भी लगानी पड़ जाएगी, और बारिश ने तो और चार चांद लगा दिया हमारे इस वाली कैंपिंग में। बाकी तो माहौल बहुत बढ़िया है, बढ़िया सी खिचड़ी बनने वाली है, खुशबू बहुत तगड़ी आ रही है, फिर इसके साथ में बनेंगे हम लोग एग भुर्जी। तो अभी पता क्या है, अभी अपने कैंपर में क्या सीन हो रहा है कि अपन ना सिंगल बंदा सो पाता है, अगर कभी इमरजेंसी हो तो अंदर ना दो बंदे टाइट सोएंगे, ठीक है, और अगर तीन बंदे हो तो नॉट पॉसिबल, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि तीन बंदे इसके अंदर सो जाए। तो मेरे अंदर ना अभी एक आइडिया है, हम दोनों बात कर रहे थे बैठ के, तो हमने ना कुछ डिसाइड किया है, कुछ डिसीजन लिया है कि इसके अंदर का ना सेटअप चेंज करना है, मतलब कि लाइक ऐसे करना है कि अपनी ये गाड़ी सीटिंग अरेंजमेंट भी हो, ठीक है, उसका हम लोग प्रॉपर बढ़िया बेड भी बना सके, अंदर हम अपना किचन वगैरह जितने भी स्टोरेज है ये सारा फंक्शनली वर्क करे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने खाना बनाने का जुगाड़ बना लिया और बस हमारी कैंपरवैन बन गई। हम लोग इसी सेटअप के साथ में मैं डिसाइड किया है कुछ, तो बहुत जल्दी काम करेंगे ताकि फिर बढ़िया वाली कैंपरवैन हो जाए। अगर तीन बंदे गाड़ी के अंदर सोना चाह रहे हो
प्रॉपर लेट के आराम से चिल मारते हुए सो सके। तो भैया यहाँ बन गया हमारी एग भुर्जी बिल्कुल बढ़िया वाली, और यहाँ पे हमारे बन गई है खिचड़ी। आज हम लोग खिचड़ी और एग भुर्जी दोनों के कॉम्बिनेशन से आज का डिनर होगा। लेकिन कितने बजे देख लो, रात के ना 2:30 बज रहे हैं, और 2:30 बजे हम लोग करेंगे डिनर, और वो भी एकदम बढ़िया वाले माहौल में। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया वेदर हो रखा है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है आ जाओ। तो भैया आज का डिनर एग भुर्जी और हमारी खिचड़ी। ओहो मजा आ गया, बहुत बढ़िया। और ठंड इतनी लग रही है कि कब कांप रहे हैं, अब कब कब ही छूट रही है। मजा आ गया, खिचड़ी प्लस एग भुर्जी और प्लस ओए होए ओए होए। तो भैया अब हो रहा है हमारा क्लीनिंग टाइम, क्योंकि बर्तन भी धोने जरूरी है। अगर ये बर्तन ऐसे रहेंगे सुबह तक काम खराब हो जाएगा। फिर यार सुबह उठो, पहले बर्तन धोगे या फिर आप अपना फ्रेश होगे और अपनी सुबह की मॉर्निंग एंजॉय करोगे। तो इसीलिए बस थोड़ी देर का काम है, इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर अपना पूरा कैंपिंग का काम ख़त्म। तो भैया हम लोग आ गए गाड़ी के अंदर, और यहाँ पे हमने अपना क्रॉकरी वाला बॉक्स रख दिया है, इधर कुछ खाने पीने की चुटपुट चीज़ें रख ली है, और भैया कह रहे हैं कि मैं बाहर ही सोऊंगा, तो उनका बेड बिल्कुल रेडी है, बाकी अपना सब कुछ रेडी, आगे दोनों सीटें भी खाली। और टाइम भैया टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, कितने बज गए? 4 बज गए। देखो हमें ये काम करते हुए बारिश की वजह से लेट होते हुए, पार्किंग वाले को ढूंढते हुए, देख रहे हो क्या किस लेवल में एडवेंचर जा रहा है। स्टार्टिंग के जिस तरीके से हुई थी ना, तो मैंने बोल ही दिया था कि अगर स्टार्टिंग इस तरीके की तो सोचो हमारा एडवेंचर किस तरीके से मोड़ लेगा, और वो ले रहा है। सुबह के 4 बजे हम लोग निपटे हैं सारा सब कुछ काम करते ही करते। बाहर की जो हमने टार्प लगाई थी वो पैक कर दी है, अभी काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और फिर कल सुबह उठते हैं, देखते कितने बजे उठते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे एडवेंचर होता है आगे का, वो सारी कहानी आपको अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। तो पता नहीं क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।